मॉर्निंग क्लास टू एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अप टू 20। एंड इन द लास्ट क्लास आई हैव टेल यू अबाउट मेकिंग 10, ठीक है, और एडिंग नंबर बाय मेकिंग इट 10, ठीक है, एंड स्किप काउंट बाय 5। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मल्टीप्लाइंग बाय 10, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 10 और द एडिशन ऑफ 10, ठीक है, कैन बी ऑल्सो से दैट यू कैन ऑल्सो से एडिशन ऑफ 10 और मल्टीप्लाइंग बाय 10, एडिशन फैक्ट्स ऑफ 10 या रिपीटिशन ऑफ 10, ठीक है, वट एवर यू से। यानी मल्टीप्लाई ऑफ 10 का मतलब क्या है, देखिए, ठीक है, यहाँ पे स्टोरी के थ्रू समझिए, यू विल गेट इट मोर बेटर। टीना कीप्स हर स्टोरी बुक नीटली, है ना, देयर इज अ गर्ल हर नेम इज टीना एंड What she used to do, she used to keep some story books neatly, यानी टीना अपनी बुक्स को काफ़ी, है ना, किताब को बहुत ही अच्छे से, ढंग से, मतलब तरीके से रखती है, ठीक है। Here it is a, there are three shelves of books, ठीक है, देखिए यहाँ बुक शेल्फ दिख रही है आपको, this is book shelf, ठीक है, it is book shelf। टीना क्या ऐसी अपनी बुक्स रखनी है, ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखिए देयर आर थ्री शेल्फ्स, देयर आर थ्री शेल्फ्स ऑफ बुक्स, यानी देखिए थ्री शेल्फ्स का मतलब थ्री रैक्स है इसमें, यानी थ्री शेल्फ्स हैं जिसमें टीना क्या करती है, अपनी बुक्स रखती है, देखिए 1, 2, 3। नाउ ईच शेल्फ हैज 10 बुक्स, यानी हर शेल्फ में, यानी हर रैक में उसने कितने बुक्स रखी है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, ठीक है, यानी she gives her 10 book each and each self, ठीक है। Now next, तो देखिए क्या कह रहा है, repeated edition facts, ठीक है। Now अब मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कि जो total books of टीना की जो total books हैं इनर बुक शेल्फ, उसको आप काउंट करके बताइए तो आप कितना कैसे काउंट करेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना, एक शेल्फ में कितनी है 10, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30, यानी टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो गई, 30 बुक्स हो गई, है ना, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो गई 30, यानी टोटल बुक्स कितनी हो गई, देखिए 30 बुक्स हो गई टोटल, टीना के पास कितनी बुक्स हो गई 30 बुक्स हो गई। रिपीटेड एडिशन फैक्ट, पहले रैक में कितनी बुक्स थी 10, दूसरे रैक में कितनी बुक्स हैं, कितने शेल्फ में 10, अब लास्ट शेल्फ में कितनी है 10, यानी 10 + 10 + 10 इज व्हाट 30, देखिए इसी को मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, इसको को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए 10 है, 10 है, 10 है, कितने टाइम्स 10 है, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम, टोटल 3 टाइम्स 10 है ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई करने के क्या करेंगे, मैक्सिमम कितना है 3 है, यानी 3 टाइम्स, यानी 10 × 3 = 30, ठीक है, ये था आपका मल्टीप्लाइंग बाय 10, ठीक है, 10 बुक्स थी, आइडर इसको हम काउंट करें 10 + 20 + 30, या इसको डायरेक्ट हम 10 × 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30, देखिए कैसे आया 10 × 3, है ना, नाउ 3 × 0, देखिए किसी भी नंबर का अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं एनी नंबर द रिजल्ट इज व्हाट 0, नाउ 3 बन जा, आपको पता होगा 3 बन जा कितना होता है 3, दैट इज 30, तो आपका आंसर कितना आ गया टोटल 30 आ गया, ठीक है, कोई भी और नंबर हो या आपको 10 से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी नंबर है ये आपको मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, ये तो छोटा सा नंबर था, अनदर नंबर में आपको कहीं आपको मल्टीप्लाई करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 by 10, नाउ व्हाट यू विल डू, 0 को देखिए 5 × 10 आपको बोला जा रहा है, 0 को यू भूल जाएंगे, ऐसे छिपा देंगे, कितना दिख रहा है आपके सामने 1, 5 बन जा कितना होता है 5 बन जा 5 होता है, फिर 0 दिख गया, यहाँ 0 नहीं, दैट इज योर आंसर, मान लीजिए यहाँ 9 × 10 दिया हो आपको, आप क्या करोगे,
जीरो को छुपा दीजिए, कितना दिख रहा है आपको, वन दिख रहा है, नाइन बन जा नाइन जीरो यहाँ लिख दीजिए जिसको आपने छुपाया था, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये था आपका मल्टीप्लाइंग बाय टेन। ठीक है, इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं आपको। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्किप काउंट बाय टेन। ठीक है, नाउ स्किप काउंट बाय टेन, यानी नंबर को आपको स्किप करते हुए टेन से डायरेक्ट काउंट करना है, या तो काउंट डायरेक्ट टेन बाय स्किपिंग द अदर नंबर। तो स्किपिंग का मतलब हुआ लीविंग द नंबर, मूविंग टू द नेक्स्ट नंबर। ठीक है, देखिए टेन पे काउंट करना है, यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ठीक है, टेन है, अगेन इधर नंबर को स्किप करिए, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। ठीक है, तो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी, यानी इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वन टाइम टेन इज इक्वल्स टू टेन, नाउ टू टाइम टेन इज इक्वल्स टू टू इंटू टेन इज इक्वल्स टू ट्वेंटी, नाउ थ्री टाइम टेन इज इक्वल टू थ्री इंटू टेन दैट इज थर्टी, नाउ फोर टाइम टेन इज इक्वल टू फोर इंटू टेन दैट इज फोर्टी, नाउ फाइव टाइम्स टेन इज इक्वल टू फाइव इंटू टेन इज इक्वल टू फिफ्टी एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप 6 इंटू 10 करेंगे, यानी 6 टाइम 6 इंटू 10 दैट इज 60। दिस इज योर स्किप काउंटिंग बाय 10। ठीक है, तो आई होप द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू यू ऑल। ऑन दिस बेसिस वी हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, इसी के बेसिस पर आपको एक्सरसाइज 4.4 का होमवर्क के लिए सॉल्व करना है, 10 20 30। ठीक है, बाकी जो पीछे समझाया मैंने अभी, और प्लीज कंप्लीट योर वर्क, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन योर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, टिल दैट टेक केयर, थैंक यू।